हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब भाई। आप सब बाइक चलाते हो? बाइक कैसे चलाते हो? बाइक में पेट्रोल डाला, स्टार्ट किया और लेके चल दिए, ऐसी चलती है बाइक? पर क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, कई बार बाइक में कुछ ना कुछ और डाल के ट्राई करते हैं कि बाइक चलेगी या नहीं चलेगी, क्या असर आएगा। वही चीज़ आज करने वाले हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, सैनिटाइजर को सब जानते हैं। उसमें क्या होता है, सैनिटाइजर में सैनिटाइजर हाथ पर डाला, रब किया और सैनिटाइजर एकदम उड़ जाता है। पेट्रोल के साथ भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर नहीं होता। अब पानी सैनिटाइजर में भी नहीं है और पेट्रोल में भी नहीं है। अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ सैनिटाइजर, तो जहाँ तक है आग लगनी चाहिए। आग लगनी चाहिए मतलब बाइक चलनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल में हम आग लगाते हैं, वो भी फ्लेमेबल है, उसमें भी आग लग जाती है और सैनिटाइजर भी। तो सैनिटाइजर अगर इसमें डालेंगे तो जहाँ तक है बाइक चलेगी। अब ऐसा होगा रियल में या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा ट्राई करने के बाद? तो करते हैं। अब बाइक में सैनिटाइजर डालने से पहले उसका पूरा पेट्रोल निकालेंगे। खाली बॉटल है बिल्कुल। अब इसमें एकदम बिल्कुल बाइक को खाली कर लेते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा पेट्रोल निकाल लेता हूँ इसका। अभी पहले ऑफ, अब ये देखो रिजर्व पे है, ये ऑफ, ये मेन, कहीं पे भी कोई तेल नहीं आ रहा, पूरा बिल्कुल खाली हो चुका है। ये रहा पाइप फटा हुआ है और रिजर्व में पूरा तेल हमने निकाल लिया। बहुत गर्मी हो रही है, पसीने निकल गए तेल निकालने में। ये था सारा पेट्रोल, हमने पूरा खाली कर लिया, मतलब टंकी में अब कुछ नहीं बच रहा। अब क्या करेंगे, खाली टंकी में सैनिटाइजर डालेंगे और देखते हैं जब सैनिटाइजर सप्लाई होगा तो बाइक चलेगी, कैसी चलेगी, जो भी होगा सब आपके सामने। सैनिटाइजर डालते हैं इसमें, और ये देखो कोई कट नहीं लग रहा। ये रहा, अभी भी रिजर्व में लग रही है और पाइप फटा हुआ है, पूरा खाली है, पूरा टैंक खाली हो गया। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अभी रिजर्व में है, रिजर्व ऑफ मेन, देखो सारे में खाली है अभी। मैं ऑफ कर देता हूँ और ये पाइप लगा देता हूँ अब, जिससे सैनिटाइजर ना निकल जाए। ये लग गया पाइप, ये खुली टंकी, गया डिटॉल का सैनिटाइजर। स्टार्ट करके देखते हैं पहले बाइक। सैनिटाइजर की स्मेल, अब ये भी ऑफ है, ये देखो अभी ये ऑफ है। इसको मैं कर देता हूँ रिजर्व में, क्योंकि इतना ज्यादा सैनिटाइजर नहीं डाला हमने, सिर्फ 250 ml है। इसको यहाँ करा रिजर्व और ये ऑन। अभी क्या था, थोड़ा सा तेल जो है ना वो कार्बोरेटर में फंसा हुआ था, उस तेल की वजह से अभी बाइक स्टार्ट है। अब रेस देते हैं तो पता चल जाएगा स्टार्ट रहते कि नहीं। खड़ी खड़ी बाइक का तेल खत्म नहीं हो रहा है, इसको बाहर लेके चलते हैं, चलाते हैं रोड पे और देखते हैं कब बाइक जाके बंद होती है।
सैनिटाइजर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो इधर की तरफ वो आ नहीं पा रहा इतना ज्यादा। अब क्या करेंगे हम, इसको तो वापस से यहीं लगा देते हैं। अब सैनिटाइजर में आपने ये चीज और देखी होगी, क्या ये स्प्रिट बहुत ज्यादा यूज हो रही है। अभी स्प्रे करते हैं हाथों पे और सैनिटाइज हो जाते हैं, इसे भी सैनिटाइजर के तौर पे यूज हो रहा है। अब हम इसे डाल देंगे, ये उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देगी आपस में। बहुत थोड़ी सी स्प्रिट है, बस 100 ml है, 100 ml भी थोड़ी कमी है। ये देखो सैनिटाइजर, ये रहा ऊपर, ये अगर दिख रहा है। अब इसके ऊपर ये स्प्रिट डाल रहे हैं, अब ये मैं चौक देता हूँ जिससे सप्लाई अच्छी हो जाए। बिल्कुल भी सप्लाई नहीं जा पा रही। अब देखते हैं इधर क्या हो रहा है, इधर की तरफ देखो क्या सीन है। पाइप हटा के देखता हूँ तो सप्लाई अभी पहुंची नहीं है। हम क्या करेंगे, ये टंकी खोली, ये देखो ये टंकी खुल गई है। अब टंकी में फूंक मारता हूँ और यहाँ सप्लाई आ जाएगी, देखना। आ गई सप्लाई, अब इसको बंद करते हैं पाइप लगा के, तब सप्लाई ऑन करता हूँ मैं। पाइप लग गया, अब एक बार पाइप लगाने के बाद अगर मैं फूंक मारूंगा तो सप्लाई हो जानी चाहिए पाइप में। अब ये करके देखता हूँ, और अटेम्प्ट करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। भाई फ्लॉप, सैनिटाइजर डाल के बाइक बिल्कुल नहीं चल सकती। और जो लिक्विड वाला है ना उससे तो थोड़ा कुछ हो सकता है, बट जो डिटॉल के लाइफ बॉय के आते हैं सैनिटाइजर जो डेंस होते हैं गाढ़े होते हैं ना, इनसे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इनसे सप्लाई नहीं बन पाती, वो इसमें जाएंगे। बेशक वो फ्लेमेबल है पर उनसे बाइक नहीं चलेगी। भाई हालत ख़राब हो गई, बाइक खींच के लानी पड़ी रोड से यहाँ तक, बाइक बिल्कुल बंद हो गई। अब क्या करेंगे यार, मैंने सोचा इसमें जो सैनिटाइजर पड़ा है ना वो पड़ा रहने देते हैं, हमें सफाई कराने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर और स्प्रिट है वो भी इनफ्लेमेबल है, अगर इसमें पेट्रोल डाल दूँ तो शायद ऐसी की ऐसी कंटिन्यू कर जाए। ट्राई करके देख लेते क्या जाता है। ये रही अपनी पेट्रोल की बॉटल,
चौक और दे देता हूँ मैं, जिससे सप्लाई ठीक से हो जाए, और किक मार के देखते हैं अब। और भाई बाइक स्टार्ट हो गई है, तो बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने सीधा पेट्रोल डाल दिया और पेट्रोल सैनिटाइज़र के साथ मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद पेट्रोल की सप्लाई हो गई, सैनिटाइज़र में जो भी मिला और सप्लाई हो गई, और बाइक हो गई अपनी स्टार्ट। तो बाइक में हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, बाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो सैनिटाइज़र सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइज़र डालते हैं तो बाइक नहीं चलती। अगर हाँ उसे पेट्रोल में मिक्स कर दें या फिर जो दूसरा इथाइल अल्कोहल था, मतलब स्प्रिट थी, उसमें मिला दें तो बाइक अपनी चल जाएगी। ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो में लगा कुछ यूनिक या कुछ नया देखने को मिला तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।